बनारस के सेवापुरी के मेहंदीगंज में प्रधानमंत्री ने बनारस के लोगों का आभार प्रकट किया, बनारस के लोगों को थैंक यू बोला। प्रधानमंत्री ने अपने आधे घंटे के अभिभाषण में 60 साल के बाद देश में दूसरी बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो लगातार 3 चुनाव जीतकर बहुमत से देश की बागडोर संभाला, और इसके लिए वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का विशेष आभार प्रकट किए ये कहकर कि बनारस के लोगों ने एमपी के साथ साथ पीएम को भी चुना। तो अब प्रधानमंत्री का अभिभाषण समाप्त हो चुका, वो यहाँ से जा चुके हैं, उनको गंगा आरती देखनी है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना है। लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे, जरा हम उनसे समझ लें कि वो प्रधानमंत्री को सुनने के बाद उनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। क्या करते हैं वीरेंद्र जी? किसान हम है। क्या किसान है जी? आज पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी हुई, 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आए जी। इसके पहले 16 बार किस्त आ चुका है आप लोगों के पास। तो क्या लगा प्रधानमंत्री जी को सुन के, लगा क्या आपको? हम लोग प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हैं तीसरी बार, और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी उस बात को नहीं बोलते लेकिन मैं गर्व से बोल रहा हूँ कि जब से मेरा भारत आज़ाद हुआ है, पहले जो 3 बार जो प्रधानमंत्री बना होगा उस समय का चुनाव और आज के चुनाव में आसमान जमीन का फर्क है। आज हमारे पीएम ने जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये हमारे विश्व में पहले एक प्रधानमंत्री हैं जो कि इस तरह का चुनाव हुआ है, और उस संसदीय के हम लोग रहने वाले हैं। क्या नाम है? आप तो प्रधानमंत्री जी को गोद में ले लिए हैं। हाँ। क्या नाम है? हमारा हसरत नाम है। हसरत नाम है? कहाँ के रहने वाले हसरत? जगह बाजार में के। अच्छा, क्या करते हैं हसरत? हम लोग वही फल का ठेला लगाते हैं। फल का ठेला लगाते हैं। तो प्रधानमंत्री से बड़ी प्रेम है आपको? क्या प्रेम है, तभी ना यह लगाव रहेगा, तभी प्यासा ही कुआं के पास जाता है। हाँ। कुआं नहीं आता प्यासे के पास। तो हाँ। प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के लिए काम किया है कि नहीं किया? हाँ, हमारे गंगापुर नगर पंचायत टनरिया में हम लोग 600 मुसलमान लोग वोट देकर हम लोग अपना चेयरमैन संतोष सेठ को चेयरमैन चुने गए हैं। अरे भाई, तो हसरत भाई, जब आप लोग वोट दिए ही, सब लोग वोट दिया, तो वोट कम कैसे हो गया? नहीं तो हम वोट देखिए भाई, मत है। हाँ। जनता का मूड है, जहर घूम जाता है उधर घूम जाता है, और जिसके लक में जो रहता है वही होता है। चलिए, वोट अपनी जगह है लेकिन प्रेम अपनी जगह है। हाँ, प्रेम अपनी जगह है। बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। क्या करते हैं अशोक जी? मैं सोशल रिफॉर्मर हूँ। अच्छा, और मेरी एक रिक्वेस्ट है माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल स्टेटस का प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। जी हाँ। मुझे बताइए, आपने ये जो सवाल किया, 3 किसानों के लिए 3 नीतियां लेकर आए थे जिसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ पंजाब हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पे, है ना, उसके बाद वापस लेना पड़ा। लोग जब तैयार ही नहीं है तो सरकार कृषि क्षेत्र में क्रांति कैसे लाएगी? मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट यही है प्राइम मिनिस्टर महोदय से कि पार्लियामेंट के अंदर इस बात को वो रखें कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल स्टेटस मिलना चाहिए, पहली चीज, क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम 35% लोगों को इम्प्लॉय कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी है और लोगों का पेट भी भरता है। जी हाँ। बिना खेती किसानी के हम जीवन की संभावना सोच भी नहीं सकते। जी। क्या नाम है आपका? गोपाल जी पटेल। गोपाल जी पटेल, क्या करते हैं गोपाल जी? हम तो पूर्व ग्राम प्रधान भी हैं। हाँ। और इस समय मेरी पत्नी जो है पार्षद भी है भाजपा से, संगठन से जुड़े हुए हैं। हाँ, हम लोग संगठन से। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र कौन सा हुआ? रोहनिया। अच्छा, रोहनिया हुआ। तो थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये बताइए कि इस बार ग्रामीण भारत में, हालांकि ये सवाल थोड़ा ऑल इंडिया के परस्पेक्ट में है, पूरे भारत के ग्रामीण इलाके से बीजेपी को कम वोट मिला, बनारस में भी सेवापुरी और रोहनिया में बीजेपी का वोट कम हुआ, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, इसमें देखिए, जनता को गुमराह किया गया। हाँ। जो आपका कांग्रेस का जो और सपा का जो था कि 8,500 रुपया मंथली दिया जाएगा, 1,00,000 रुपया सालाना दिया जाएगा, है, और ये जनता गुमराह किया गया। और उसमें ये भी दिया गया कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म हो जाएगा अगर ये लोग चुन के आएंगे तो। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं,
मतलब विपक्ष गुमराह किया। हाँ, विपक्ष गुमराह किया। क्या नाम है आपका? सोनेलाल राजभर। सोनेलाल राजभर, अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने आधे घंटे मंच से अपनी बात रखी उन्होंने, लेकिन वो कहे नहीं, एक बार भी कहे नहीं कि हमारा जो जीत का मार्जिन है वो कम हुआ। हमारे क्या तो तीन बार से सांसदीय क्षेत्र से वो पीएम चुन के गए हमारे यहाँ से, और हम लोग को गर्व है कि हम लोग के प्रधानमंत्री जो, हम लोग का सांसद जो यहाँ से प्रधानमंत्री हैं, इससे बड़ा हम लोग का क्या खुशी है कि जो हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री है, और सबसे बड़ी चीज जो देश के चला रहे हैं और हम लोग उनके छत्र छाया में जी रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में भी जो जिनको चुने प्रधानमंत्री वो बनारस का सांसद, हम यही चाहेंगे। हाँ। तो उनको सुनकर कैसा लगा? हमको तो अच्छा लगा। हम ये भी चाहेंगे कि जाएंगे अपने घर तो अपने बच्चों को भी समझाएंगे, अपने हाँ। परिवार को भी बताएंगे हाँ। कि किसान निधि जो उन्होंने आप 20 करोड़ की योजना जो किसान खाते में जो दिया, 20,000 करोड़ हाँ। वो धन्यवाद, जो किसान आज मर रहे हैं बिखर रहे हैं लेकिन आज वो बिखरेंगे नहीं, मेरा यही कहना है। क्या नाम है आपका भाई? अशोक भा मिश्रा। क्या करते हैं मिश्रा जी? किसान। किसान। तो प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण में जब आप लोग सुनने आए थे तो पहले ऐसा सोचा था कि प्रधानमंत्री जी मार्जिन पर भी कुछ बोलेंगे, ऐसा नहीं लगा? नहीं, मार्जिन पर क्या, सब ठीक है, कोई बात नहीं है हाँ। होता है कभी कभी कुछ ऐसा कि गलत फहमी कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ काम किया है और अभी करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत किसानों के लिए कर रहे हैं। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि नहीं दिया था, जो कि किसान अपनी उससे कुछ खेती का काम भी कर ले रहे हैं, और किसान को जो ऋण मिल रहा है उसका दे रहा है 6 महीने में, उसका ब्याज भी नहीं लगता है 6 महीने के अंदर अगर वापस कर दिए तो। चलिए, तो तमाम लोगों ने अपनी बात रखी, लोगों का कहना है कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने बहुत कुछ किया, लोग गुमराह हो गए, विपक्ष ने गुमराह कर दिया, इस वजह से प्रधानमंत्री जी का वोट कुछ कम हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री पर अभी भी लोगों का भरोसा है, आने वाले समय में किसानों के लिए ये सरकार बेहतर काम करेगी, ये लोगों को उम्मीद है।